बॉलीवुड के मारूफ अदाकार विजय राज ने इल्जाम आयद किया है कि साथी अदाकार अजय देवगन को सेट पर हेलो ना कहने पर इन्हें फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से निकाल दिया गया। 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार को काफी पजीराई मिली थी और अब 12 साल बाद इसका सीक्वल बनाया जा रहा है। इस फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन मरकजी किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म की शूटिंग का आगाज कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक विजय राज ने हाल ही में इल्जाम लगाया है कि सन ऑफ सरदार 2 के प्रोड्यूसर ने इन्हें 30 मिनट के अंदर फिल्म से निकाल दिया क्योंकि इन्होंने सेट पर अजय देवगन को हेलो नहीं किया। विजय राज ने बताया कि मैं सन ऑफ सरदार 2 के सेट पर वक्त से पहले पहुंच गया था, मैंने अजय देवगन को हेलो नहीं किया क्योंकि वो मसरूफ थे और मैं फिर सेट पर मौजूद अपने दोस्तों से बात करने लग गया। तहम 30 मिनट बाद फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत मेरे पास आए और कहा कि आप फिल्म से निकल जाएं, हम आपको निकाल रहे हैं। विजय राज का कहना था कि मेरी तरफ से सिर्फ ये कोताही हुई थी कि मैंने सेट पर अजय देवगन को हेलो नहीं किया और फिर मुझे सेट पर पहुंचने के 30 मिनट के अंदर फिल्म से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब प्रोड्यूसर कमार मंगत ने विजय राज के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुमार मंगत का कहना है कि विजय को कास्ट और अमले के साथ बदतमीजी करने पर फिल्म से निकाला गया। विजय ने बड़े कमरे और एक वैनिटी वैन का भी इजाफी मुतालबा किया था। इन्होंने कहा कि अजय देवगन वो शख्स नहीं जो लोगों के हेलो हाय का इंतज़ार करता है, वो तख्लीकी दिमाग वाले लोगों से घिरा रहना पसंद करता है और हर एक के साथ एहतराम से पेश आता है। वाज़ह रहे इससे कबल ये भी खबर सामने आई थी कि सन ऑफ सरदार 2 में सीनियर अदाकार संजय दत्त को कास्ट नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ख्याल किया जा रहा था कि संजय दत्त जल्द ही फिल्म की कास्ट में शामिल होने वाले हैं, लेकिन वीज़ा मसाइल की वजह से अब वो फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे।